शांति। आज 23 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की धारणा युक्त मुरली है। विशेषकर बाबा कहे, जब अंतिम समय में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएगी, आपदाएं आएंगी, तो अपनी स्थिति को निर्भय और अचल अडोल बनाना है। कोई भी बात आए तो उस समय यही स्मृति रहे कि 5000 साल पहले भी ये बातें आई थी, हमने पार किया था, हम विजयी बने थे और अभी फिर से बनना है। तो बाबा कहे, स्वयं में शक्ति आ जाएगी, निर्भय हो जाएंगे और सहजता से उस परिस्थिति को पार करने की हिम्मत आएगी। दूसरी बात बाबा कहे, देह अभिमान रुलाता है, इसीलिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। साथ ही साथ बाबा कहे, दिल में सच्चाई रहेगी तो बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? उत्तर है, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लो। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही है। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर है। कुछ कुछ आत्माएं दोनों से बचते जरूर है। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो है वही लायक होंगे विनाश देखने के। बाबा कहे, तुम बच्चों में भी अनन्य जो है वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बताते हैं कि वह स्थिर रहा ना, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके। त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते हैं, यह तुम सामने देखते रहेंगे। हर दृश्य सामने बाबा कहे देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे हैं, बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वह दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की जो माला है उसका नाम ही है रुद्र माला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है,
रुद्राक्ष में भी कोई रियल कोई आर्टिफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी, वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी। हर एक चीज ऐसी है, बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। सच परमात्मा के आगे सब झूठे, वर्थ नॉट अ पेनी है। तो बाबा कहे इस दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल बहुत है, तो सच परमात्मा के आगे सब झूठे, वर्थ नॉट अ पेनी है। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब यह है ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है, तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। अभी वो ज्ञान ले रही है, लेकिन मनुष्य समझते वो ज्ञान दे रही है। इतना फर्क हो गया, सच और झूठ में इतना अंतर हो गया। वह बाप व बच्चा, बाप को एकदम घूम कर दिया और बच्चे का नाम डाल दिया है। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है ही इस पर, सर्वव्यापी क्यों समझा है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इन बातों को तुम जानते हो, श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। हम ही सबसे पहले बिछड़े हैं, बाबा कहे सबसे पहले कौन बिछड़े, हम ही बिछड़े हैं। बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ मां रहती है, इसका अर्थ कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। देह अभिमान ही बहुत रुलाता है, बाबा कहे मुख्य कारण क्या है, देह अभिमान। देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर, एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों हो जाते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये कौन सा फादर कहते हैं, सो तुमको थोड़ी पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में है। तो कभी शिव बाबा कभी ब्रह्मा बाबा भी बीच में सुनाते हैं। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाप समझाते बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी है, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं वह धारणा नहीं कर सकते। यहां तो सच्चाई चाहिए, बाबा के पास तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वो धारण कर समझाते रहो। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफते आदि आती है तो समझते ही ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना, तुम सब महावीर हो ना, तुम्हारा नाम बाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर है, 108 उनसे कम है, 16,000 उनसे कम। बनना तो जरूर है, यह बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई है, सोहोनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं, बाबा के संशय बुद्धि बन जाते हैं,
निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारगति थोड़ी दे सकते हैं। तो मूल बात है निश्चय और सच्चाई, दो बातों पर विशेष आज बाबा ने जोर दिया है। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं है, एकदम मुंह फेर लेते हैं तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं, कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूं, तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे। भगवान की है श्रीमत, तो यह भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए। बाबा कहे यह भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए, कौन सा, कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच। माता स्वर्ग का द्वार है, समझाने लिए बुद्धि में पॉइंट्स आने चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे, ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, दुख में हम उनको याद करते हैं, दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्माएं याद करती है। दुख में सिमरण सब करे, सुख में एक भी नहीं करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, बाबा उलना देते, सुख में एक भी नहीं करते हैं। अभी तो दुख की दुनिया है ना, ये समझाना बहुत सहज है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे, सब स्वर्ग में आ जाए तो फिर नर्क हो ही नहीं, वृद्धि कैसे हो, यह तो गाया हुआ है। भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, भारत ही स्वर्ग था। हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना, कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, चित्र भी उनके हैं। कितना सहज है, बुद्धि में यह नॉलेज चलती है। बाबा की आत्मा में यह नॉलेज थी तो हम आत्माओं को भी धारणा कराई है, बाबा ने हमको भी कराई है, वह है ही नॉलेजफुल। फिर कहते भी है कि इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूं, जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी, अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देने हैं। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते, कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, वह भी बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं, नहीं तो बच्चे आकर कहां रहेंगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे, काबू में एक दिन बाबा कहे सब मकान अपने हाथ में आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है ना, उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए हैं। प्रैक्टिकल में तो यह है ना, तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। बाबा कहे तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी, दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है, मेले लगते तो कितनी भीड़ हो जाती है, कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं, भीड़ में फिर कितने मर पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो यह स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है, स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है, शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं, बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं, कहते हैं सिद्ध करो, वह तो सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने लिए,
गॉड को फादर कहा जाता है, बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना, चीनी हिंदू भाई भाई है तो बाप एक हुआ ना। जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते हैं, विकारी दृष्टि हो ना सके। यह युक्ति है पवित्र रहने की। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे। मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है, बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था अब गवाया है, यह सुख दुख का खेल है, ये अच्छी रीति से समझाना चाहिए। बाबा कहे ये अच्छी रीति से समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। दूसरी पॉइंट, हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई है। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है, और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। हर एक बच्चे के साथ बाबा का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रत्न चुगता है पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना, उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। आज का स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। बाबा कहे बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। बाबा के साथ जब हम कंबाइंड रहेंगे तो वह स्थिति ऐसी श्रेष्ठ होगी, वह दृष्टि इतनी रूहानी होगी जो दूसरों को भी देखते ही बाबा की याद आ जाए। तो ऐसी बाबा कहे कंबाइंड स्थिति हो। फिर मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, और मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य के टाइटल है तमोगुणी माया का विस्तार। कितना बड़ा विस्तार है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, यह तीन शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, ये तीन शब्द को यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं, वह तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है? विवेक तो ऐसा ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है,
और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतो गुण नहीं। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, वो या सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाबा कहे संपूर्ण गुणों के आधार पर सारी सृष्टि चलती है, तब कहेंगे सतोगुण। बाकी दुनिया के अंदर जिनके अंदर अच्छे गुण है, वैल्यूज है, तो उनको सतोगुण नहीं कह सकते। बाकी ऐसे नहीं कि जो सच बोलता है वह सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतो गुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था, अब वो सतयुग नहीं है। कितना डिटेल में मम्मा ने इस बात को खोल करके समझाया है। अभी तो है कलयुगी दुनिया, वो या सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहां से आए? तमोगुणी का समय चल रहा है तो वहां सतोगुण कहां से आया? अब है घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते हैं। दोनों अलग अलग समय पर है, तो इसीलिए सतोगुण ब्रह्मा के दिन के समय में था और ब्रह्मा के रात के समय में, जहां चारों ओर अज्ञानता का अंधकार है, तो उस समय को कहा जाता तमोगुण का समय। तो वहां सतोगुण यानी दिन हो नहीं सकता। दिन का समय अपना है, रात का समय अपना है। तो इसीलिए मां कहे तीनों को यथार्थ रीति समझना है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इसको कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।